नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सरकार बनाम किसान। जी हां, हरियाणा के सोनीपत में कुंडली समेत अन्य बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम और सरकार के बीच जल्द समझौते की अब उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को खारिज करने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के खत्म किए जाने पर अभी तक सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बनी है। दरअसल मंगलवार को भी एसकेएम की ओर से बैठक की गई थी, जिसमें कोई भी ठोस फैसला नहीं निकल पाया है और इसीलिए बार बार सवाल ये उठ रहा है कि किसान आंदोलन का अंत आखिर कब होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए। किसानों की तरफ से जो 6 मांगे रखी गई थी उनको भी सरकार अब मानने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके बाद भी किसान आंदोलन कब खत्म होगा ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे में चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन में क्या कुछ हो रहा है। तो किसान आंदोलन का अंत कब होगा ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। साथ ही आपको यह भी बता दें, किसान बहाना सरकार पर निशाना, ये इसलिए क्योंकि राजनीति भी इस आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं की जा रही है। और साथ ही क्या बैठक से निकलेगा रास्ता, क्योंकि आज भी एसकेएम की बैठक 2 बजे होने वाली है। तो ऐसे में आपको बता दें कि मंगलवार को भी एसकेएम की ओर से हुई बैठक में मुद्दों पर किसान संगठनों ने चर्चा की थी, कई मुद्दों पर यह चर्चा हुई। वहीं सरकार बनाम किसान के बीच हुई ये बातचीत 3 मुद्दों पर अटक गई है और इस बैठक में क्या रहे वो 3 मुद्दे, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि किन 3 मुद्दों पर बात अटकी हुई है। तो ऐसे में वो ये 3 मुद्दे बता रहे हैं। किसानों के केस वापस हों, ये किसानों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि किसानों के केस वापस हों, मौत के मामले में मुआवजा भी दिया जाए। किसानों की तरफ से मांग की जा रही है कि जिन किसानों की जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही MSP पर कमेटी में कौन हो ये भी किसानों का कहना है। और साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में लगातार ये 3 अब मुद्दे अटक चुके हैं आकर, कि जिन पर ये पूरी की पूरी बात जो है वो नहीं बन पा रही है किसानों और सरकार के बीच, क्योंकि सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून तो रद्द कर दिए गए, लेकिन अब भी किसानों की तमाम मांगे ऐसी हैं जिन पर अभी भी बात अटकी हुई है। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं क्या कहना है सरकार बनाम किसान का। तो ये भी आपको बता देते हैं कि सरकार का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। तो ऐसे में ये देख रहे हैं कि सरकार का कहना है MSP पर कमेटी में केंद्र राज्य के प्रतिनिधि हों, किसान कह रहे हैं कि सिर्फ किसान संगठनों के प्रतिनिधि ही होंगे। तो दोनों बातें कहीं ना कहीं आपस में क्लैश होती नजर आ रही है। सरकार कह रही है कि आंदोलन खत्म होने पर केस वापस होंगे, किसान कह रहे हैं कि पहले केस वापस हो फिर आंदोलन खत्म हो। तो इन्हीं सब बातों के बीच में बात जो है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नहीं नजर आ रही। साथ ही सरकार कह रही है कि मौत के मामलों पर मुआवजा देने को राजी हो गए हैं, वहीं किसान कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की तर्ज पर ही मुआवजा हमें दिया जाए, क्योंकि पंजाब में आपको बता दें सरकार मुआवजा दे चुकी है। सरकार कह रही है कि MSP पर कमेटी में केंद्र राज्य के प्रतिनिधि हों, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि सिर्फ किसान संगठनों के प्रतिनिधि ही होंगे। तो ऐसे में ये वो तमाम बातें हैं जो सरकार और किसानों के बीच में हो रही है, लेकिन किसान जो है अभी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार वो सरकार से कह रहे हैं कि बातें उनकी मानी जाए। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि सारे केस वापस हो जाएंगे जो किसानों पर दर्ज किए गए हैं, लेकिन पहले किसान आंदोलन को ख़त्म किया जाए। वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि पहले केस वापस लिए जाएं तब ये आंदोलन ख़त्म होगा। इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस किसान आंदोलन का अंत कब होगा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और उसके बावजूद भी अब किसान कहीं ना कहीं अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भले ही सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए हो और उसके बाद जो किसानों की तरफ से 6 मांगे रखी गई थी उनमें भी कहीं ना कहीं सरकार सहमत होती नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अभी भी कई बातों पर अपनी कई मांगों पर अड़े हुए हैं और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अंत कब होगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कल SKM की बैठक हुई थी, इसमें बैठक में
जो है वो कहा गया था कि 5 सदस्य कमेटी जो बनाई गई है, जो केंद्र सरकार ने कहा था वो बनाने के लिए कहा, उस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें कहीं ना कहीं ये लगा था कि अब किसान आंदोलन खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ किसान कह रहे हैं कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ कुछ किसान ये कहते नजर आ रहे हैं कि आंदोलन अब खत्म होने की राह पर है। तो कहीं ना कहीं किसानों में ही दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक गुट तो आंदोलन खत्म करने के लिए सहमत है, कह रहा है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक गुट किसानों का ऐसा है जो अभी भी अड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। तो ऐसे में सरकार बनाम किसान क्या कहना है सरकार और किसान का, ये आपको दिखा रहा है कि मौत के मामलों पर मुआवजा देने के लिए सरकार राजी है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की तर्ज पर ही मुआवजा हमें मिले। क्योंकि आपको बता दें कि पंजाब में जितने किसानों की जान गई थी उन किसानों को पंजाब सरकार ने मुआवजा दे दिया है। MSP पर कमेटी में केंद्र राज्य के प्रतिनिधि होंगे, तो किसान कह रहे हैं सिर्फ किसान की तरफ से ही प्रतिनिधि बनाए जाएंगे। सरकार कह रही है कि आंदोलन खत्म होने पर सभी केस वापस ले लिए जाएंगे, तो किसान कह रहे हैं पहले केस वापस फिर आंदोलन खत्म। तो अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं सरकार और किसानों के बीच जिस पर अभी भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार कुछ ना कुछ अपनी बातों पर अड़ी हुई है, तो किसान पूरी तरह से चाहते हैं कि हम सरकार से सभी अपनी बातें मनवा लें और MSP पर कानून, जिस कानून के लिए किसान लगातार पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अब भी उसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक MSP पर कानून नहीं बनेगा तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। इसीलिए यह आंदोलन अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अगर सिंगू बॉर्डर की बात की जाए तो सिंगू बॉर्डर पर कहीं ना कहीं अब जो है हलचल काफ़ी कल से तेज़ होती हुई नज़र आई कुछ किसानों का, क्योंकि वहां पर कहना था कि अब सारी बातें जो हो चुकी हैं वो तय हो गई हैं और ऐसे में अब ये आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज किसान नेताओं की तरफ से ये बयान सामने आया है कि अभी किसान आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया गया है। यानी कि ये समझ नहीं आ रहा कि आंदोलन स्थगित किया गया तो किसान आगे क्या कुछ करेंगे। तो ऐसे में देखिए लगातार किसानों के बीच हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम लगातार पहुंचते हैं और क्या कुछ किसानों का कहना है वो जानते हैं। तो ऐसे में लाइव जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कहीं ना कहीं अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि किसान आंदोलन आखिर खत्म कब होगा, क्योंकि किसान भी अब दो गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए किसानों की अगर बात की जाए, गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए खास तौर पर, तो गाजीपुर के जो किसान हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना दे रहे हैं किसान, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं और उनका सोचना है कि जब तक पूरे मुद्दों पर बात नहीं हो जाती है, टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं हो जाती है, तब तक आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहिए। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए सिंधु बॉर्डर और टेकरी बॉर्डर की अगर बात की जाए, तो वहां पर ज्यादातर हरियाणा और पंजाब के किसान हैं जिनको लेकर जो है वहां सरकार ने जो मृतक किसान हैं, जो वहां शहीद हुए हैं, जिनका कहना है तो उनको जो है मुआवजा देने की बात भी की जा रही है, लगभग मुआवजा दिया भी जा चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की अभी कोई भी चीजें सामने नहीं आई हैं, जिसके चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, खासतौर पर उसमें उत्तराखंड के किसान को भी जोड़ा जाए, तो वो तमाम किसान जो है वो अभी उठने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और इसीलिए देखिए दो बातें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान हैं वो कुछ और कहते नजर आ रहे हैं, जो सिंगू बॉर्डर पर किसान हैं वो कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं की तरफ से बयान सामने आया है कि किसान आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, तो इस स्थगित किसान आंदोलन का हम क्या मतलब समझें? जी बिल्कुल, देखिए इसका जो ये जो बयान है इससे साफ तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों में आपस में फूट डल चुकी है, जिसके चलते कुछ किसान जो है अपना घर लौटना चाहते हैं, लेकिन कुछ किसान जो है वही गाजीपुर बॉर्डर पर टिके रहना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, जिस तरह से MSP पर कानून की बात को लेकर बात की जा रही थी, पंजाब और हरियाणा में इस तरह की प्रॉब्लम आमतौर पर देखी नहीं जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये प्रॉब्लम हमेशा देखी जाती है, तो जिसके चलते। और दूसरा, अगर शहीद किसानों की बात की जाए तो उसके आंकड़ों को लेकर पहले जो है
सवाल उठ रहे थे कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, फिर उसके बाद जब संसद में राहुल गांधी ने आंकड़े पेश किए, फिर उसके बाद राकेश टिकैत का बयान आया कि जी हमारे पास आंकड़े हैं, सरकार हमसे टेबल पर बैठकर बातचीत तो करे। अब ऐसे में पंजाब किसान का, पंजाब से जो किसान को मुआवजा देना, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का किसी भी तरह का कोई बयान ना, कहीं ना कहीं किसानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जिसमें लगभग कहा जाए तो लगभग जो सरकार है वो इसमें पास भी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन देखिए सरकार तो अब मुआवजा देने के लिए मान गई, क्योंकि सरकार का कहना है कि पहले आप आंदोलन खत्म कर दीजिए और मुआवजा भी दे दिया जाएगा, और जो किसानों पर केस दर्ज है, किसानों की तरफ से जो मांग की जा रही थी कि केस वापस ले जाएं, वो भी अब सरकार मानती नजर आ रही है कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए, केस वापस ले लेंगे। लेकिन तब भी क्यों किसान अभी अड़े हुए हैं? क्या किसानों को सरकार पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अगर किसानों की केस लेने की वापसी की बात की जाए, तो किसानों पर जो केस हुए हैं उसमें जो गंभीर धाराओं पर केस हैं उनको वापस लेने की बात नहीं की गई, लेकिन जो छोटी मोटी धाराओं में केस दर्ज किए गए उनको वापस लेने की बात की जा रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो राकेश टिकैत का कहना है कि अगर हम आंदोलन खत्म कर देते हैं फिर सरकार के जो वादे हैं ये कब पूरे होंगे, कब पूरे नहीं होंगे, इसका कहना मुश्किल है। और दूसरी बात, राकेश टिकैत ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से 2018 में जब वो एक जत्थे को लेकर आए थे, भीड़ को कराए थे किसान आंदोलन के नाम पर, और जो अब भीड़ आई है उसमें और अब की जो भीड़ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस कसमकस में है कि क्या अगर अगली बार आंदोलन करना पड़ा तो क्या वो इतनी बड़ी भीड़ दोबारा से जुटा पाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे। ये तमाम चीजें हैं जो आंदोलन को खत्म होने नहीं दे रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और इससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि किसानों को अब भी सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए पहले किसानों को भरोसा नहीं था सरकार पर, लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को देश के सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया, तो अब क्यों भरोसा किसानों का जो है वो सरकार पर नहीं बन पा रहा है? देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसको पूरी तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से केंद्र सरकार आंदोलन को खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी बार आपको देखना होगा कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में जहां 1 साल से मेहनत हो रही थी और अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब जो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा, लेकिन जब आंदोलन ही पहले खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि ये जो सारे मुद्दे 1 साल की जो मेहनत है ये खराब हो जाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो पॉलिटिकल चेयर है। कहना गलत नहीं होगा कि ये आंदोलन जो है अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मंच बनकर रह गया है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो तमाम जो राजनीतिक चेहरे, जो काफी बड़े चेहरे हैं, वो पीछे की तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर सामने तो नहीं आ रहे हैं लेकिन पीछे की तरफ से वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि अगर आंदोलन खत्म हो जाता है तो उन 5 राज्यों के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। जी जी बिल्कुल, चलिए ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में किसानों की तरफ से अभी भी बता दें लगातार मांगे की जा रही है, और अभी भी किसान बहाना सरकार पर निशाना वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति भी पीछे पीछे इस किसान आंदोलन के तहत की जा रही है। और ऐसे में वही बार बार बड़ा सवाल ये उठता है कि जब किसानों के तरफ से जो मांगे कही गई थी वो सरकार ने मान ली है, सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए हैं, तो उसके बाद अब इस आंदोलन का अंत कैसे और कब होगा? क्योंकि लगातार एसकेएम की तरफ से ये कहा जाता है कि हम बैठक करेंगे, बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। 4 दिसंबर को बैठक की गई, उसके बाद 7 दिसंबर को कल बैठक की गई, जिसके बाद आज दोपहर जो है 2 बजे वो बैठक होने वाली है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि बैठक में कब तक रणनीति बन पाएगी और क्या कुछ इस बैठक में चर्चा होगी, किस तरह से आगे किसान सोचेंगे कि कब और कैसे इस आंदोलन को खत्म करना है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से पहले तो ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले, लेकिन उसके बावजूद भी अब किसान अपनी कई मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।